ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम बैक टू अनुप्रयास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा जा रहा है आपका आज का दिन? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सेकंड अर्निंग। तो फर्स्ट अर्निंग पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी फर्स्ट अर्निंग आ गई है, और जिस दिन मोनेटाइजेशन ऑन हुई थी उस दिन का भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आज सेकंड अर्निंग आई है तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयर करना बनता है। और आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि किस तरीके से कितना टाइम लगता है अर्निंग आने में, अर्निंग किस तरीके से आती है, कैसे हमें मतलब कितना टाइम लगता है। बेसिकली लोगों को जो बेसिकली जानना होता है कि कितना टाइम लगता है एक अर्निंग आने में और कितने व्यूज पे कितनी अर्निंग दी जाती है। तो आज आप सबके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। आई नो मेरे व्यूज थोड़े से कम है, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि आपकी वीडियो वर्थ है, आप मैं आपकी वीडियोस पे व्यूज क्यों कमा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियोस पे व्यूज क्यों कमाते हैं, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं ट्राई करती रहूंगी जब तक मैं सक्सीड नहीं हो जाती। तो इसलिए मैंने ये सेकंड चैनल स्टार्ट किया था। इससे पहले भी मेरा एक और चैनल है, वो है अनुप्रिया लवली यू के नाम से। उन्होंने मुझे कॉन्टिन्यूसली साथ दिया है, उन सब लोगों को तहे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और इस बार मेरी अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं आई है, सिर्फ 10,000 रुपये आई है। तो कितने डॉलर्स हुए, क्या हिसाब हुआ, तो वो भी सब इस चीज़ में मैं कवर करने वाली हूँ। इस चैनल से मुझे 10,000 रुपये रिसीव हुए हैं, और दूसरे चैनल की अर्निंग मैं फिर किसी दिन बताऊंगी, अभी फिलहाल इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो YouTube से मेरी ये सेकंड अर्निंग है। मेरी फर्स्ट अर्निंग जो है वो सितंबर में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, नवंबर में मेरी अर्निंग आई थी। अक्टूबर की अर्निंग जो है वो नवंबर में आई थी। उस टाइम पे मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा 2-3 वीडियोस वायरल हुई थी, तो उस वजह से मुझे 2 महीने में ही मतलब सितंबर में चैनल 25 सितंबर को मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। देन अक्टूबर की अर्निंग, नवंबर, अक्टूबर की पूरी, सितंबर और अक्टूबर की अर्निंग मिला के मुझे नवंबर को मेरी पेमेंट रिलीज हुई थी 12 तारीख को। मतलब एक महीना डिले चलती है पेमेंट सेप्टेम्बर, और जब भी आपके अकाउंट में $100 होते हैं तभी ये पेमेंट यूट्यूब जो है वो पेमेंट रिलीज करता है, और उसके बाद ही आपको वो अकाउंट में मिलता है। इस चीज़ में पूरा एक महीना लग जाता है। 12 तारीख को हमारी पेमेंट जो है गूगल एडसेंस में शो होनी स्टार्ट हो जाती है, और 26 तारीख को हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको कम से कम 20 से मतलब 12 तारीख से लेकर 26 तारीख 10 दिन का होता है, तो पूरा दिन पूरा महीना ही कवर हो जाता है इसमें। तो पूरा नवंबर निकल गया, तो यहां पर 26 तारीख को मेरे अकाउंट पे 26 नवंबर को मेरे अकाउंट में फर्स्ट पेमेंट रिलीज हुई थी। और इसके बाद जो है मेरी सेकंड पेमेंट जो है, इस बीच में बहुत सारे मुझे झंझटों से निकलना पड़ा, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। इसमें इस बीच में मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन बंद होगी, अपलोडिंग नहीं कर पा रही थी मैं, और इतने तामझाम के बाद वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था मेरे चैनल का। तो इतने सारे तामझाम के बाद मैंने कैसे ना कैसे आप लोगों की प्रेयर्स और आप लोगों के सपोर्ट के बाद मेरा चैनल वापस आया और मुझे रिसीव हुई फर्स्ट अर्निंग, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और अब मुझे मिली है सेकेंड अर्निंग, जो कि मिली है नवंबर के बाद। मुझे नवंबर की पेमेंट नहीं रिसीव हुई, दिसंबर की नहीं हुई, अब जनवरी की पेमेंट मुझे फरवरी में रिसीव हुई है, यानी कि 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो पा रही है, और इस बीच में मैंने काम भी थोड़ा कम कर दिया था। मैं वैसे डेली एक वीडियो अपलोड करती थी, लेकिन मैंने इस बार हफ्ते में 3 वीडियोज अपलोड करनी शुरू कर दी, और बीच में कई बार 3 भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था, मैं बीमार हो जाती थी, या कुछ भी हो जाता था, उस रीजंस के कारण मैं नहीं अपलोड कर पाई। और 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं, 140 डॉलर शायद हुए हैं। और यहाँ पर पेमेंट जो है वो डॉलर्स में रिसीव होती है, तो जब भी डॉलर का रेट आपको चेक करना होगा, कई बार 70 होता है, तो आपकी 160 में भी बहुत सारी अच्छी खासी अर्निंग बन जाती है, और कई बार 160 डॉलर जो है वो 60 रुपए के हिसाब से देता है, तो अर्निंग थोड़ी कम हो जाती है। तो ये वेरी करती है कि आपको किस डॉलर के प्राइस के ऊपर आपकी अर्निंग रिलीज हो रही है, और आपके आपको 21 तारीख को पेमेंट रिलीज करने का
ईमेल आ जाता है आपके ईमेल आईडी रजिस्टर्ड गूगल एडसेंस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर, तो जिस दिन भी पेमेंट रिलीज होती है उस दिन का आप जो है डॉलर का रेट चेक कर ले, उसे मल्टीप्लाई कर दे अपने जो भी आपकी डॉलर की अर्निंग है, तो उतने पैसे जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपको जैसे मैंने बता दिया कि 1 महीना डिले चलती है अर्निंग, मुझे जनवरी की अब मिली है और अक्टूबर की नवंबर में मिली थी, तो नवंबर दिसंबर जनवरी की अर्निंग मुझे अब मिली है। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको जब तक $100 नहीं होता तो वो ऐड हो जाता है। जैसे मेरी पहली 25 हुई मान लीजिए, मतलब सपोज कीजिए कि मेरी 1 मंथ में अर्निंग जो है वो $25 हुई, फिर नेक्स्ट मंथ में मेरी $25 हुई और थर्ड मंथ में मेरी $50 हो गई। तो जब $50 होता है तभी आप, जब आपके अकाउंट में $100 होता है गूगल एडसेंस के थ्रेशोल्ड में, तो तभी वो रिलीज करते हैं। जैसे कि 25 नवंबर की हुई, 25 दिसंबर की हुई, तो दोनों को मिला के दिसंबर में 50 की अर्निंग आपकी वहां पे थ्रेशोल्ड में शो करेगी, जो कि होम पेज होता है, होम पेज के ऊपर राइट साइड में आपको 12 तारीख को अर्निंग शो होनी शुरू होगी 50, और वो नेक्स्ट 12 तक 50 ही शो होगी जब तक कि नेक्स्ट अर्निंग उसमें ऐड नहीं हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और क्या बताना चाहती हूँ, कि इन शॉर्ट आपके अकाउंट में जैसे ही $100 होंगे पिछली अर्निंग ऐड होती रहेगी, और $100 होते ही आपकी पेमेंट जो है वो रिलीज हो जाएगी। उससे पहले आपके अकाउंट, जब अगर आपने यूट्यूबर है, आपको कोई भी अर्निंग रिसीव नहीं हुई है और अभी आपने 1,000 घंटा 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा किया है, तो आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है। जैसे ही आपकी मोनेटाइजेशन ऑन होती है, आपके अकाउंट में $10 जैसे ही होंगे, आपको सबसे पहले तो अपने अकाउंट का गूगल एडसेंस ओपन करना है, उसके ऊपर रेड में लिखा होगा कि अकाउंट ऐड कीजिए और अपना एड्रेस वेरीफाई कीजिए। आपके अकाउंट से पिन जो है वो जनरेट हो जाएगा, गूगल आपके वेरीफाइड अकाउंट पे पिन भेजता है ये देखने के लिए कि जो एड्रेस आपने दिया है वो लीगल है या नहीं, और उस पिन को आपको 10 दिन के अंदर अंदर अपने गूगल एडसेंस में डालना होता है। गूगल एडसेंस पे एक्शन पे क्लिक करके आपको डालना होता है और इससे आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाता है। मीनवाइल आपको 45 दिन के अंदर अंदर अपने अकाउंट के अंदर, गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर कोई भी एड्रेस प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड आपको वहां पे डालना होता है, ये जानने के लिए कि आप जो है वो इंडिया के ही, जो भी आप अगर इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, कहीं के भी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, यूएई, कहीं के भी आप बंदे हैं, तो वो आपका ये होना चाहिए कि जो एड्रेस आपने दिया है वो आपका ही एड्रेस है। तो अगर आप मम्मी के नाम पे डाल रहे हैं तो मम्मी का आधार कार्ड लगेगा, अगर पापा के नाम पे एड्रेस पे मंगवा रहे हैं तो पापा के नाम पे होगा, तो हर जगह पे पापा का ही नाम होगा आपके एडसेंस अकाउंट में, नेम में, आपके एड्रेस में और आपके बैंक अकाउंट में, और उनका ही आईडी प्रूफ वहां पर लगेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप 18 साल के हैं, 18 साल अभी रिसेंटली हुए हैं तो भी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, या अगर आप 18 साल से कम हैं तो भी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। अगर आपने अभी अभी अकाउंट बनाया और आप 15 साल के हैं तो आप अपने मम्मी के नाम से अकाउंट बनाएंगे, ईमेल आईडी भी आपकी मम्मी के नाम पे होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी एड्रेस, सब कुछ अपनी मम्मी के नाम से ही आपको बनाना होगा। ईमेल आईडी अगर आप अपने मतलब बच्चे के नाम से आप बना रहे हैं, आपकी 15 साल उम्र है, तो भी अकाउंट वेरीफाई नहीं होता है गूगल एडसेंस का। बहुत बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए मैं इसमें ही कवर कर रही हूँ उस चीज़ को। तो आशा करती हूँ आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख भेजिएगा। और अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ तो उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, 2 वीडियोस बनाई हैं 18 साल से कम वालों की भी, सारे क्वेश्चंस की क्वेरीज मैंने उसमें रिजॉल्व की है, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, और अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बहुत 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 शुक्रिया आप सब लोगों का मेरे मुझे सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही मुझे अपना सपोर्ट देते रहें, बस थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए ताकि मेरी हर मंथ की अर्निंग जो है
वो सेट हो जाए, अगर आप लोग सपोर्ट, अब आप सपोर्ट कैसे करेंगे मेरी वीडियोस को, लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके। अगर आप देख रहे हैं और कमेंट नहीं करते हैं ना, तो मेरी वीडियो जो है वो रैंक नहीं करेगी। प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, चाहे एक नाइस का ही कमेंट कर दें तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे अच्छा लगेगा और इसके साथ साथ मेरी वीडियो भी रैंक करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी आप लाइक कीजिए, और सजेशंस में मुझे बताइए कि आप किस चीज़ पे और टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक्स के बारे में आप वीडियोस जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं इसके ऊपर और वीडियोस लेकर आऊँगी। जो भी आप करेंगे, जो भी आप कंटेंट मुझे बताते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाती हूँ, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही मुझे अपने प्यार के साथ बांधे रखें और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। बाय। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती है फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।